हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी एस्टर प्लांट के ऊपर है। नर्सरी में आपने देखा होगा ये एस्टर प्लांट और आपने घर में भी लाए होंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि एस्टर प्लांट हम घर में ला के जब रिपोटिंग करते हैं उसके बाद कुछ दिन के बाद वो ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजह है? तो जानकारी की के अभाव में आपका प्लांट ख़राब होता है, तो इसके लिए जो ज़रूरी टिप्स मैं आज बताऊंगी उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नर्सरी से लाया हुआ एस्टर प्लांट ख़राब नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब आप नर्सरी से एस्टर प्लांट लाते हैं, खिले हुए फूलों के साथ लाते हैं या छोटा लाते हैं, 5 से 6 इंच के गमले में ही लगाएं। बहुत बड़े गमले में ना लगाएं, क्योंकि बड़े गमले में अगर आप लगा देंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी और ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमी होने की वजह से प्लांट ख़राब हो जाएगा। आप जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं आप ज्यों का त्यों इसको लगाएं, क्योंकि इसकी रूट्स की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं रहती है। इसलिए अगर आप उसके प्लांट को पॉलीथीन में से निकाल देंगे और उसकी जड़ को खोल देंगे या जड़ों को डैमेज करेंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। गमले में ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए, सॉइल ऐसी हो, वेल ड्रेन सॉइल, जिसमें पानी ना रुके, और सॉइल का रेशियो ऐसा रखें जैसे 50% गार्डन सॉइल ले लें और 45% रिवर सैंड और 5% आप नीम की खली ज़रूर मिलाएं और 1 चम्मच फंगीसाइड। नीम की खली इंसेक्ट्स से भी बचाएगी और अच्छा फंगीसाइड है, तो 15-15 दिन में आप इसमें नीम की खली मिलाते रहें। यह प्लांट बहुत नाजुक प्लांट है, तेज़ धूप में भी ना रखें और ऐसी जगह रखें जहां धूप छांव बनी रहे। यह बसंत का और कम तापमान वाला पौधा है। इन सब टिप्स को याद रखेंगे और आप इसको अपनाएंगे तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।